गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। पैनी निगाहें, सटीक निशाना, सदैव हाथ, एक तीरंदाज को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। गंगा गौरव में आज हम मिलेंगे बुलंद हौसलों से भरी एक ऐसी लड़की से जिसने वो राह चुनी जो अलग थी, लेकिन उसका निशाना हमेशा सटीक था। रांची की दीपिका कुमारी। बचपन में मैं बहुत बदमाश थी और बहुत जिद्दी भी थी, और मुझे लगता है कि शायद मेरे जिद की वजह से मैं आर्चरी में आ गई हूँ। अपने आप में तो हमको बहुत गर्व महसूस होता है, और हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरी बेटी इतना ऊंचाई में पहुंच जाएगी। हम सपना में भी जिंदगी में कभी नहीं सोचे थे कि आज दीपिका इतना ऊंचा में चढ़ जाएगी। नमस्कार। तीरंदाजी भारत की ही देन है। इतिहास गवाह है कि समय समय पर भारत की वीरंगनाओं ने तीरंदाजी में महारत हासिल की है और आज भी कर रही है। तब कारण युद्ध था और अब खेल। लेकिन सटीकता तो वही चाहिए, दक्षता भी वही चाहिए। ऐसी ही सटीकता की धनी है दीपिका कुमारी, तीरंदाजी में वर्ल्ड चैंपियन दीपिका कुमारी, जिसने तीरंदाजी में भारत को एक कदम और आगे बढ़ाया। बचपन में मैं बहुत बदमाश थी और बहुत जिद्दी भी थी, और मुझे लगता है कि शायद मेरे जिद की वजह से मैं आर्चरी में आ गई हूँ। नहीं तो मैं नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में स्पोर्ट्स कोई करता नहीं था, तो मैंने जिद किया था जिसकी वजह से मैं आर्चरी में आई। 2005 में रांची के अर्जुन आर्चरी एकेडमी में दाखिले से शुरू हुआ तीरंदाज दीपिका का सफर। उसका एक मतलब अजूबा सा है उसको कहा जाए, जो कि हम लोग गर्मी की छुट्टी में गए थे नानी घर, तो उसी समय एक प्रतियोगिता निकला था तिरंगदाज का, जो कि मतलब वो गई देखने के लिए, तो उसी में उसे खेलते खेलते में वो भी भाग ले ली, और लेने के बाद में वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाई। पर उसके बाद में उसको मुझे फ़ोन की कि मम्मी मैं ऐसा ऐसा खेलने के लिए गई थी जिसमें कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे जाना भी है। तो बोली क्या चीज़ है, तो बोला कि ये तिरंगदाज है, हमकी तिरंगदाज क्या होता है, तो बोली कि नहीं सो महाभारत में अर्जुन जो तीर चलाता है उसको तिरंगदाज बोलते हैं हम, लेकिन मुझे जाना है तो कैसे ऐसे तो गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि चलो मैं उसका एडमिशन करवा दूँ स्कूल में। तो फिर उसके बाद मैंने सारा पता किया, और पता करने के बाद में उससे एड्रेस लिया, और जो कि वो एड्रेस हमको मिला खरसवा का, और एड्रेस लेने के बाद उनसे बात हुई कि ये यहाँ पर हम लोग मतलब देख रेख करते हैं और ये अर्जुन मुंडा की वाइफ यहाँ चलाती हैं। उसके बाद में मैं वहाँ कॉल करने के बाद में उन्होंने हम लोग को बुलाया, फिर बच्ची को लेकर के मैं वहाँ गई दीपिका को, फिर वहाँ भी मतलब सिलेक्शन निकला था तो उसमें भाग ली, और लेने के बाद में कुछ बाहर के कोच लोग भी आए हुए थे, तो जिसमें कि मतलब जो अच्छा किया वो निकल गया, जो अच्छा नहीं किया वो नहीं निकल गया। तो फिर भी लेकिन एक कुछ जिद बना दी, जो बच्चा का जिद होता है छोटा सा कि मतलब मैं ये लूँगी ऐसा करके, तो उस तरह से वो जिद बना दिया कि मैं यहाँ जाना है तो जाना है, जिस तरह से आप करवाओ लेकिन मुझे करवाओ। तो फिर उसके बाद में वहाँ से हम लोग ग्राउंड से निकलने के बाद में फिर सुमन सर से मिले, और मिलने के बाद में वो कुछ आइडिया बताए कि आप लोग ऐसा ऐसा कीजिए तो हो सकता है बच्ची को सिलेक्ट हो जाए तो हम लोग रख लेंगे। फिर उसके बाद में वहाँ से हम लोग घर चले आए, घर चले आने के बाद में इधर उधर हम लोग फिर बात उत करने लगे कि आखिर ये क्या चीज़ है और कैसे होगा, और ये बच्ची का जिद है कि मुझे जाना है। तो दीपिका का पापा के एक दोस्त हैं LIC में, उनकी बहन अर्जुन मुंडा की वाइफ के यहाँ वो काम करती हैं, दाई की काम करती हैं, तो उनसे बात की, और बात करने के बाद उनको लेकर के हम लोग अर्जुन मुंडा के पास में गए, और जाने के बाद में एक दिन दो दिन मतलब हम लोग को बातचीत हुई। उसके बाद में वो बोले कि ठीक है हम बच्ची को देखते हैं उसके बाद हम बात करते हैं। थर्ड दिन में हम लोग उस बच्ची को दीपिका को लेकर के गए, और जाने के बाद में बातचीत हुई तो देख करके बहुत पतली दुबली थी, तो उस समय 11 साल की उम्र में होने के बाद भी मतलब वो एक रोटी और एक गिलास दूध में पीती थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती थी। बहुत कोशिश करते तो थोड़ा सा एक आधो चम्मच चावल खाती, नहीं तो कुछ भी नहीं खाती थी। तो इसके लिए टीचर लोग भी बहुत परेशान, स्कूल के टीचर भी परेशान रहते थे, हम लोग भी परेशान रहते थे।
तो मैडम बोले कि अगर ये इस तरह से बच्ची इतनी पतली दुबली है, इससे ज़्यादा तो धनुष होता है भारी। तो उसको देख करके बहुत शॉर्ट लग गया सुन करके कि मतलब मैडम तो इस तरह से बोलती है, तो इसका मतलब कि मेरा तो काम होगा ही नहीं। फिर वो रोने लगी। रोने के बाद में हमको बोली कि मम्मी हम मैडम से बात करेंगे। हम लिख करो उसके बाद मैडम से बात की, एक दो शब्द बोली, ज़्यादा बोली नहीं। बोली कि मैडम हमको सिर्फ आप 3 महीना रखिए, और 3 महीना के बाद अगर हम कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमको आप निकाल दीजिएगा। तो ये बात सुनकर के सर को भी थोड़ा सा शॉर्ट लगा, और मैडम को भी लगा कि जब ये छोटी बच्ची इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बात करती है तो हो सकता है आगे कुछ ना कुछ सीख कर पाएगी। कह करके उसी समय उनको लेटर वेटर बना करके 10-15 दिन में मेरे पास एक लेटर आया, और उस लेटर को में लिखा हुआ था कि इसको खरसवां ले जा करके ज्वाइन करना है। तो उसको मैं अपनी मोटरसाइकिल, उस समय था उस मोटरसाइकिल से उसको, गर्मी का दिन अप्रैल महीना था, और ले जाकर खरसवां पहुँचाए, उसके बाद वहाँ छोड़े। और 3 महीना के अंदर में मैंने जिस तरह से उन्हें वादा किया था उसी तरह से उसका काम डेवलपमेंट वो करके दिखाई। दीपिका के तीरंदाज बनने का सपना कैसे उसका सफर बना और फिर उसकी मंजिल, ये अपने आप में एक कहानी है। एक्चुअली करते करते बॉडी को हम लोग इतना चलाते हैं, और फिर हम लोग जिम भी बहुत करते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, इसकी वजह से स्ट्रेंथ आता है हमारे में, फिर पुशअप्स मारते हैं, इसकी वजह से पावर भी आता है, तो इसकी वजह से हम कर पाते हैं, और हम मैक्सिमम 450-500 चलाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ बना रहता है। जब मैं आर्चरी में आई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये कितना फेमस है और कितना नहीं है, इसके अंदर क्या है, हमें ये भी नहीं पता था कि इसके अंदर करियर है या नहीं। बस मुझे इतना पता था कि मुझे बस खेलना है। मुझे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, इनफैक्ट मुझे समझ में भी नहीं आता था उस वक्त, तो मुझे बस देख के अच्छा लगा, और मैंने सोचा नहीं मुझे बस करना है, चाहे कुछ भी हो रिजल्ट या फिर ज़िंदगी जहाँ भी लेके जाए इसको करने के बाद, तो मैंने सोचा बस करना है। बस इसी की वजह से मैंने आर्चरी शुरू किया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ आर्चरी का करियर क्या है या फिर आर्चरी किस लेवल पे है। मैं जब स्टार्टिंग किया था मैंने 2007 में, तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना दूर आऊँगी मैं। जब भी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन बाकी है, एशियन गेम्स, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक, तो इन सब के इंडिविजुअल मेडल नहीं है मेरे पास, तो वो मैं लेना चाहती हूँ, इंडिविजुअली वो मेडल लेना चाहती हूँ। और अवार्ड अभी तो मेरे को अर्जुना अवार्ड मिला था 2012 में, तो आगे और भी अवार्ड लेना चाहूँगी। दीपिका के लिए तीरंदाजी सिर्फ शौक नहीं, उसका जीवन है। इसे शिद्दत से निखारने के लिए दीपिका जी जान एक कर तो रही है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि कम है। अभी मेरा डाउनफॉल ही चल रहा है, तो बहुत बुरा फील होता है। एक्चुअली लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते थे, मतलब हैंडल नहीं कर पाती हूँ कभी कभी लगता है नहीं अपने हाथ में आ गया अभी सिचुएशन, अभी मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, लेकिन फिर अचानक से वो चीज़ छूट जाती है कि शूटिंग अच्छे से नहीं होता है, ऐसा लगता है मैं पागल हो रही हूँ, कब ठीक होगा, तो बहुत बुरा फील होता है। मैं कोशिश करती हूँ याद करने की कि जब अच्छा शूटिंग किया था तो कैसे हो रहा था, लेकिन वो चीज़ जल्दी याद नहीं आती है। तो एक बार गलती घुसने से बहुत प्रॉब्लम होता है उसको वापस ठीक करने के लिए, तो बहुत बुरा लगता है। और वापस कॉन्फिडेंट के साथ अच्छा परफॉर्म करना सीरियसली बहुत हार्ड है। आई मीन जब कंटिन्यू आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप में कॉन्फिडेंट होता है, आपको शूटिंग पता होती है, लेकिन जब मतलब परफॉर्मेंस डाउन होने के बाद वो चीज़ सब हाथ से निकलने लगता है, मतलब कॉन्फिडेंस भी निकलने लगता है, शूटिंग भी अच्छे से नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये कमरा दीपिका का है, ये तमाम चीजें दीपिका की है, जिन्हें उनकी माँ सहज सहज कर रखती है और बड़े ही गर्व के साथ मेहमानों को दिखाती भी है, और दिखाए भी क्यों ना, जिनकी बेटी ने भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया हो वो भला अपनी बेटी का गुणगान क्यों ना करे। और सिर्फ माता पिता ही नहीं, पड़ोसी भी गुणगान करते नहीं थकते। न जाने सबकी कितनी ही यादें जुड़ी है दीपिका के बचपन से। ये हवाई जहाज इसका एक सपना है या शंकर भगवान का वरदान। जब ये 3 साल का थी तो मुढ़ू में हम लोग ड्यूटी करते थे, तो उसी समय वहाँ से थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर है दूरी खूटी, तो खूटी में वो मेला सावन पूर्णिमा को लगता है, हम लोग पूजा करके लौट रहे थे, तो वापस में ये रास्ता में
लोग बेचते हैं, बिक्री करने वाले लोग, तो इसको देखी और बहुत प्यार से उठाई और बोली कि मम्मी ये हवाई जहाज है। हम बोले कि नहीं बेटा ये तो घर है। बोली नहीं मम्मी ये हवाई जहाज है, इसमें हम लोग लेंगे। हम कि क्या करेगा लेकर के, तो उसका में ढक्कन था, इस ढक्कन को इस तरह से उठाई और बोली कि देखो हवाई जहाज है। हम बोले क्या करेगा बेटा, तो इसमें पहले पापा को बैठाएंगे, फिर मम्मी को बैठाएंगे, उसके बाद में हम बैठेंगे और सुई दबर ऊपर उड़ जाएंगे इसको लेकर के। तो हम बोले नहीं बेटा ये घर है, एक मिट्टी का घर है। बोलती नहीं मम्मी इसमें हवाई जहाज है, मिट्टी का घर नहीं है। इस तरह से वो कल्पना की और ये कल्पना आज सच हो गया, जो कि आज हमको हकीकत में वो देखने के लिए मिला और मैं भी उसके साथ में हवाई जहाज में उड़ी। एक्चुअली मम्मा बोलती मुझे याद नहीं है, तो मम्मा बहुत, वो बहुत पुराना है, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। मम्मी बोलती थी कि मैं इसमें बैठ के हम लोग फैमिली वाले कहीं उड़ जाएंगे, ये वो स्टोरी बताती थी, मुझे याद नहीं है। लेकिन वो आज तक स्टोरी चेंज नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है शायद वो सच होगा या फिर कुछ भी, बट बहुत अच्छा लगता है सुन के। और इतनी पुरानी मतलब टॉयज रखे हुए हमारे घर में, मम्मी संभाल के रखी है उसको। ये है दीपिका का स्कूल। इन्हीं गलियारों में न जाने कितनी बार दौड़ी होगी दीपिका। इन्हीं में से किसी एक बेंच पर बैठकर छुट्टी के बेल का इंतजार किया होगा दीपिका ने। आज भी दीपिका के टीचर्स को याद है दीपिका की लगन भी और उसकी चंचलता भी। मैं दीपिका का बचपन का ही शिक्षक रहा हूँ और यहाँ तक कि उसका नाम लिखाने में मेरा ही उद्देश्य है, मेरा ही हाथ है और मैं ही दीपिका को नाम भी रखा था। मैंने ही APG आवासीय विद्यालय में उसका नाम भी लिखवाया था, जिसका नाम मैंने दीपिका रखा था। और वह बचपन से ही पढ़ने में थोड़ा सुस्त थी, लेकिन चंचलता थी उसमें, कोई भी काम को सही ढंग से करती थी और लक्ष्य पर मुझे विश्वास था कि कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन ये पता नहीं था कि वह इतनी बड़ी लक्ष्य को प्राप्त करेगी। और मैं यही कहूँगा कि वह जो भी कार्य करे वह अपना लक्ष्य को ध्यान में रखकर और अब कार्य को करे तो सफलता अवश्य मिलेगी और गांव, अपने मोहल्ले का, अपने देश का, अपने राज्य का नाम को रोशन करेगी। ये असेंबली में जब हम बच्चों को समझाते हैं और समझाते थे, उस समय उसके मन में एक जिज्ञासा होती थी कि कोई आश्चर्यजनक काम करने वाले बच्चे कैसे होते हैं। मैं हमेशा उसको कहा करता था और सारे बच्चों को भी कहता था कि रात के अंधेरे को चीरकर सुबह फिर से आएगी, रात के अंधेरे को चीरकर सुबह फिर से आएगी, मत होना कभी निराश, जिंदगी गीत गाएगी, हौसले रख बुलंद, मंजिल भी मिलेगी और एक दिन ये दुनिया तेरी हो जाएगी। जिस नन्ही उम्र में लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, दीपिका का खेल कुछ और ही था। निशाना साधना कहाँ, अपने गांव के आम के पेड़ पर पत्थरों से। बहुत अच्छी लड़की थी, उसका मतलब शरारत थोड़ा ज्यादा करती थी। आती थी तो पूछते थे कि क्या कैसे देर हो गई मैडम, ऐसे ही देर हो गई, थोड़ा सा बगीचा में इधर उधर घूमने में, ढेला मारने में देर लेट हो गई। सुबह से आती थी जैसे कोचिंग में, क्लास की, उसके बाद फिर गई रूटीन घर गई, वहाँ से फिर नाश्ता पानी करके खाना वाना खा के आती थी, फिर 10 से 4 क्लास करती थी, फिर जाती थी इधर से, तो उसको फिर उधर से आने में लेट हो जाता था कभी कभी वही करने में। तो कहती थी हमको बहुत, यहाँ भी आती थी तब इधर से यहाँ से वहाँ ढेला मारती थी, वहाँ कहा डांटते भी थे तो कहती थी कि नहीं मैडम इसने देर हो गया, तो क्लास में लेट होता तो कहा आ रहे हैं तुरंत जरा सा, निशानेबाजी बहुत आगे करती। बचपन में मैं बहुत गुस्से वाली थी, अभी भी हूँ, लेकिन पहले कंट्रोल नहीं होता था। एक्चुअली पहले था, मैं किसी को भी बहुत जल्दी मार देती थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मुझे थोड़ा भी परेशान करेगा मैं सीधा हाथ उठा देती थी। और सबसे हंसी की बात ये कि सज़ा मुझे नहीं मिलती थी, जिसको मैंने मारा उसको सज़ा मिलती थी। तो ये मुझे बहुत हंसी आती है ये सुन के कि जब भी ऐसा सिचुएशन होता था, मतलब बचपन में कंट्रोल नहीं होता था और बचपन में भी मतलब पावर नहीं था, तो मारती थी उनके गालों में छाप पड़ जाते थे मेरे हाथों के, तो वो सब चीज़ें मैं बहुत हंसती हूँ याद करके। बेटी के नाम से पिता की छाती कैसे गर्व से फूलती है, कोई दीपिका के पिता को देखे तो ही जाने।
दीपिका कहती है कि वो अपनी माँ से ज्यादा अपने पिता की दुलारी है। मेरे पापा के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है शुरू से लेके। मम्मी काम पे चली जाती थी, इसकी वजह से मम्मी के साथ उतना रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन पापा के साथ, मैं पापा काम पे भी जाते तो मुझे लेके जाते थे स्कूल छुट्टी होने के बाद। तो पापा के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। पापा कुछ भी होता है मैं सबसे पहले अपने पापा को बताती हूँ। पहले नहीं समझते वो, लेकिन वो बाद में समझ जाते। तो ऐसे करते करते अभी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो गई है, तो पापा के साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। रांची से 15 किलोमीटर दूर रातू छाती गाँव में जन्मी थी दीपिका 13 जून 1994 में। उनके पिता एक रिक्शा चालक थे और माँ रांची मेडिकल कॉलेज में नर्स। अभी जैसे अभी भी हम टेम्पू चलाते हैं कभी कभी, तो टेम्पू वाला जैसे कोई भी जो पहचानता है या कोई भी है तो बोलता है कि वो देखो दीपिका का पापा जा रहा है, हाथ देता है, बैठता है और पूछता है कि कहाँ कहाँ करते हैं, अभी भी टेम्पू चलाना छोड़ दीजिए। ये हम कभी नहीं सोचते कि टेम्पू कोई भी काम छोटा नहीं होता है, काम काम होता है। अपने आप में तो हमको बहुत गर्व महसूस होता है और हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरी बेटी इतना ऊंचाई में पहुंच जाएगी। हम सपना में भी जिंदगी में कभी नहीं सोचे थे कि आज दीपिका इतना ऊंचाई में चढ़ जाएगी। माता पिता के हाथ भले ही तंग थे, फिर भी उन्होंने दीपिका के तीर अंदाजी के प्रति लगन और चाहत को बढ़ावा दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। उस टाइम हम लोग का बहुत नाजुक स्थिति था। मेरा छोटा सा किराना दुकान था, आगे फुटपाथ में हम दुकान करते थे किराना दुकान, और उसका मम्मी सर्विस करती थी। वो तुको में पोस्टिंग थी और हम लोग बाप बेटी दोनों रहते थे और तीनों, मतलब तीनों यहीं रहते थे हम लोग, और वो वहीं से आना जाना करती थी। आज दीपिका जमशेदपुर के टाटा आर्चरी एकेडमी में प्रैक्टिस करती है, दिन रात की मेहनत रंग दिखा रही है। वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन दीपिका के कोच को उससे बहुत सी उम्मीदें हैं। दीपिका को मैं सबसे पहले 2007 जबलपुर सब जूनियर नेशनल में देखा था, जहाँ इंडियन राउंड बांस का तीर धनुष में उस समय खेलती थी और बहुत अच्छा आर्चर नहीं थी, बट उसका जो बेसिक फॉर्म होता है आर्चरी में वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद 2008 में फिर वो रिकव 3-4 महीना पहले स्टार्ट की थी और कलकत्ता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में सिलेक्शन ट्रायल था, फर्स्ट ट्रायल, उसमें शॉर्टलिस्ट करना था 6 बच्चों को, जिसमें दीपिका 6ठे स्थान में आई। और उसके बाद मैं वहीं में उनके कोच से बात किया कि इस लड़की को टाटा आर्चरी अकेडमी आप लोग दे दीजिए, तो वो तैयार हो गए। उसके बाद वो जनवरी मंथ में 2008 में ज्वाइन की टाटा आर्चरी अकेडमी। और बेसिक आर्चरी में जो बॉडी पोस्चर होता है, शोल्डर, चेस्ट, बो हैंड, एंकर पोजिशन एंड बैलेंस, फिनिशिंग, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था दीपिका का। और बेसिक जैसे उसका शोल्डर है, स्पेशली मैं बोलूँगा बॉयज़ की तरह है, पावरफुल है, तो उसको एडवांटेज देता है। और सेकंड है कि बहुत हार्ड वर्कर भी है, सिंसियर है और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत कंसंट्रेट करके खेलती है। ये सब गुण दीपिका के अंदर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा भी लगता है, बट कभी कभी ये लगता है कि इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, उनकी होप बहुत ज़्यादा है और वो भी मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ, तो कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि क्या मैं उस, मतलब वो जो सोच रहे हैं वो मैं कर पाऊँगी या नहीं। फिर कभी कभी सोचती हूँ नहीं छोड़, उनका काम है सोचना, मेरा जो काम है मैं पहले वो करती हूँ, बाद में उनके बारे में सोचूंगी कि वो क्या सोच रहे हैं। शुरू में तो दीपिका बहुत फास्ट इम्प्रूव की, हम बोलेंगे कि यहाँ आने के बाद उसका बेसिक हम लोग पहले फिजिकल स्ट्रेंथ, फिटनेस, इस पर वर्क करते हैं, तो उसमें मैं देखा कि बहुत फास्ट इम्प्रूव की और वो कंट्रोल भी बहुत फास्ट उसका इंक्रीज इम्प्रूव हुआ। इसके कारण रहा कि वो बहुत जल्दी इंडियन टीम में आ गई और 3 महीना बाद ही वो कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप टर्की में जो हुआ था 2008 में, उसमें खेलने गई थी। वहाँ जाके बहुत अच्छा नहीं मारी, बट 16 नंबर रहा उसका, प्री क्वार्टर फाइनल में लूज़ की। उसके बाद वो रोने लगी, तो फिर मैं उसे समझाया कि इसमें रोने कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर तुम्हारा एज है कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप USA में ओकडेन में, और वहाँ तुम चैम्पियन बन सकती हो, बट देखो तुम उससे अच्छा अच्छा प्लेयर कहाँ कहाँ के हैं और उनके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, तुम्हारे अंदर क्या कमी है, उसको देख के जाके फिर से तैयारी करो तो नेक्स्ट टाइम बनोगी। और सही बात रहा कि नेक्स्ट 2009 में फिर ओकडेन में जाके वर्ल्ड चैम्पियन बनी कैडेट में। तो शुरुआत बहुत अच्छा रहा दीपिका का, उस समय चढ़ती रहा, उसके बाद सीनियर नेशनल भी कंटिन्यू 6 बार चैंपियन रही,
2010 कॉमनवेल्थ में फिर चैंपियन रही, कंटिन्यू अच्छा रहा। 2013 से उसका 12 ओलंपिक से ही हम बोलेंगे थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल आना चालू हुआ, और लास्ट ईयर तो इतना ना ज़्यादा है कि बीच में इंडियन टीम से भी बाहर हो गई। और फिर फाइनल जो एशियन गेम्स का ट्रायल्स था, उसका पहला जो NIT था, फिर वो उस समय नेशनल कैंप में रहती थी फॉरेन कोच के अंडर में, तो छोड़ के फिर यहाँ जमशेदपुर आई मेरे अंडर में, और फिर से कमबैक की इंडियन टीम में, फिर से वापसी की, और फोर्थ वर्ल्ड कप में अभी जाके इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल और टीम में गोल्ड मेडल जीती। और एशियन गेम्स में बैड लक रहा कि टीम में ज़्यादा चांस था, बट मैं बोलूँगा कि टीम में वो इंडिविजुअल तो अच्छा ही चलाई, बाकी अदर्स लड़की लोग उतना अच्छा नहीं कर पाई, नहीं तो और अच्छा हम लोग ब्रॉन्ज मेडल में हम लोग जापान से लूज किए। और जो भी एशियन गेम्स आर्चरी में बहुत टफ है, इसलिए टफ है कि एशियन कंट्रीज जो भी हैं वही ओलंपिक्स में भी डोमिनेट करते हैं, जैसे साउथ कोरिया हुआ, चाइना हुआ, जापान हुआ, इन्हीं लोग ओलंपिक में गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज था। तो एशियन गेम्स में भी हम लोग जापान से लूज किए टाई शूटआउट में भी, बट शूटआउट में भी दीपिका एक्स मारी थी, बट अदर्स जो पार्टनर थे उन लोग 8-8 मार देते थे, यही कारण रहा हम लोग हार का। बट मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल में अभी थोड़ा सा उसका दीपिका का भी उतार चढ़ाव है, कभी अच्छा फीलिंग्स आ रहा है तो बहुत अच्छा कर रही है, कभी नहीं जम रहा है तो घबरा रही है, बट मैं समझता हूँ कि आर्चरी में क्या हर स्पोर्ट्स में इस तरह का आता है, और फिर से कमबैक करेगी, और मैं समझता हूँ कि इसके पास ओलंपिक लेवल का टैलेंट है, और एज भी अभी बहुत कम है, आराम से अभी 3-4 ओलंपिक खेल सकती है। एक बार हम लोग लोहरदगा गए थे तो एक साढ़ू की लड़की, मेरा साला का साढ़ू की लड़की वहाँ दीप्ति करके थी, तो वो आई थी, तो हम लोग बाप बेटी दोनों गए थे, तो वहाँ बोली कि पापा सो लोहरदगा में कोई चीज़ का दौड़ है हम जाए, तो हम उसको 5 रुपया दिए और 5 रुपया में उछल गई बहुत खुशी खुशी। तो हम बोले बेटी जाके क्या करेगी, तो बोली पापा देखेंगे अगर चेन्नई होगा तो हम भी दौड़ेंगे। तो हम बोले कि पतली दुबली थी, हम बोले कि दौड़ने सकेगी बेटी, तो फिर चले गई, चले जाने के बाद में वहाँ से फर्स्ट लाई थी। हम बोले बेटा कैसे, बोली पापा जो 5 रुपया हम दिए थे उसमें टॉफ़ी खरीद के लेते ला दी थी मेरे लिए, बोले लीजिए पापा हम फर्स्ट आए हैं और हम सिलेक्शन हो गए हैं। आका के बहुत खुश हुई, और खुश होने के बाद में हम भी खुश हुए, हम के कैसे दौड़ी बेटी, कहता पापा जी इधर दौड़ रहे तो उधर का हवा मार रहा था मुड़िया गए, और बहुत हंसी आया। दीपिका का घर उसके पुरस्कारों और मेडल से भरा हुआ है। दीपिका ने 2009 में कैरेट वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता, और ऐसा करने वाली वो दूसरी भारतीय बनी, और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब कभी नहीं थमेगा। इसलिए हर बच्चे को अच्छा लगता है जब अपने पेरेंट्स को खुशी देखते हैं। तो मुझे भी एक्चुअली यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही था घर वर को लेके, बारिश वारिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसके वजह से मम्मी पापा हमेशा चिल्लाते रहते थे, भागते रहते थे बारिश में घर के आगे पीछे आगे पीछे, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान ना हो पेरेंट्स, क्योंकि ये सब चीज़ें छोटी ही बात है, और इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे, और मम्मी की तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती थी, और अभी भी कभी कभी हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि अभी मैं घर जाती हूँ तो एटलीस्ट सब सुकून से। दीपिका रांची की गौरव है, देश की गौरव है, लेकिन अभी तो और आगे जाना है उसे। जो नाम दीपिका ने भारत को दिया है, यही वजह है कि दीपिका बनी हमारी गंगा गौरव। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।